नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। और बड़ी खबर यहां पर, जहां पे सीमा पार पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे के पहले यहां पे पाकिस्तान की तरफ से भारतीय चौकियों पर फायरिंग की गई है। पुंछ के बालकोट सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से भारतीय पोस्टों पर फायरिंग की गई। रात 9 बजे के बाद से जारी है यहाँ पे फायरिंग। फायरिंग की आड़ में घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। पंजनी नाला में 8 आतंकियों को सेना ने घेरा है। आपको बता दें, रात 12:30 बजे के बाद बालकोट में फायरिंग नहीं हुई है। बालकोट सेक्टर के अलावा पुंछ के मेंढर सेक्टर में ताराकुंडा में रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक रुक रुक कर फायरिंग की गई। वहीं कल रात आतंकियों के श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सेना के एक काफिले पर हमला किया गया, जिसमें एक असिस्टेंट कमांडेंट समेत 7 जवान जख्मी हो गए। हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे पुंछ के बालकोट सेक्टर की, जहाँ पे फायरिंग की आड़ में घुसपैठ की कोशिश हो रही है। कवर फायर यहाँ पे आतंकियों को दिया जा रहा है। और लगातार यहाँ पे अगर हम सीमा की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से पिछले 4-5 दिनों से ये जो हमले हैं काफी तेज हो गई है। हालांकि भारतीय सेना और BSF के जवान लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अब तक जो हमें अपडेट मिल पाया है उसके मुताबिक यहाँ पे रात करीब 12:30 बजे से ये फायरिंग एक बार फिर से शुरू हुई है। ये घटना फिलहाल है पुंछ के बालाकोट सेक्टर की। इसके अलावा बीते 2-3 दिन की अगर हम बात करें तो आरएसपुरा सेक्टर हो, पुंछ हो, मेंढर हो या फिर अब यहाँ पे बालाकोट की बात करें, लगातार यहाँ पे सीज फायर का उल्लंघन कर रही है पाकिस्तानी सेना। ताज़ा घटना जो हम आपको बता रहे हैं उसके मुताबिक ये एक कवर फायर है ताकि 6 से 7 आतंकियों की घुसपैठ कराई जा सके पाकिस्तान की तरफ से। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये खबर आज इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। अब से कुछ ही देर में वो पहुंचेंगे राज्य में और उसके चलते यहाँ पे इस तरह की फायरिंग जाहिर तौर पे चिंता भी खड़ी करती है। आपको बता दें, हालांकि नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। खुद आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग पूरे इलाके का मुआयना कर चुके हैं। पवन शर्मा इस खबर पर फिलहाल और जानकारी दे रहे हैं। पवन, इस ताजा घुसपैठ के बारे में और क्या बता सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री यहाँ पर आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और बीती रात पुंछ का जो मेंढर सेक्टर है वहाँ पर 3 जगहों पे अलग अलग टाइम पर जबरदस्त फायरिंग की गई है और 10 से 12 के आतंकियों के ग्रुप को इस ओर धकेलने के लिए पाकिस्तान की तरफ से शाम को भी फायरिंग की गई। फिर 9 बजे से लेकर 12 बजे तक फायरिंग हुई। फिर सुबह 2 बजे से लेकर 5 बजे तक फायरिंग, अगर कहा जाए तो पूरी रात LC के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग पोस्टों के ऊपर लगातार फायरिंग होती रही है, लेकिन चौकस सेना के जवानों ने घुसपैठ के प्रयास को कर दिया है। बिल्कुल पवन, ऐसे में जानना चाहेंगे इस वक्त सेना का क्या कहना है ताज़ा हालात के बारे में। हालांकि सुनने में आ रहा था कि कुछ आतंकियों को घेरने की कोशिश भी की गई है सेना की तरफ से। क्या उम्मीद की जा सकती है, ऑपरेशन पर कब तक काबू पा लिया जाएगा? देखिए, सेना के जो अधिकारी हैं, जितना भी इलाका रजौरी और पुंछ का है, खास करके LOC के साथ, वहां पर सेना को डिप्लॉय किया गया है। और जो कल इंसिडेंट हुए हैं अलग अलग जगह पर, 3 जगह के ऊपर अटेम्प्ट हुए हैं घुसपैठ के और 3 जगह पर इन्होंने विफल किया है। तो पूरे इलाके की स्निपिंग की गई है, जगह जगह पे आर्मी का बैकअप इनको मिल रहा है और कहीं पर ऐसी घटना होती है, खास करके मौसम बहुत खराब है, बारिश लगी हुई है वहां पर और ज्यादा धुंध उस इलाके में पड़ती है, तो इसी का फायदा पाकिस्तान उठाने की कोशिश करता है और धुंध और बारिश के बीच में घुसपैठ की कोशिशें होती है। लेकिन पूरी रात फायरिंग के बावजूद भी किसी भी घुसपैठियों को इस ओर आने में सेना ने विफल कर दिया है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए फिलहाल पवन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।